हेलो बच्चे बाटे, वेलकम टू रैंकर बाटे यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए आपके बीच रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर चल रहा था, शुरू किया था अपन पिछला वीडियो में, एपिसोड नंबर 1 था। उसमें अपन ने देखा था कि किसी भी रिलेशन फंक्शन का ऑर्डर पेयर क्या होता है ना। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम किया था ऑर्डर पेयर क्या होता है। आज तेरे बीच में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो सेट का, इसको पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक बात तेरा खोपड़ी के अब चेतन मन में घुसने देंगे। तुम्हारा जो ब्लड वेसल है, उस सारे ब्लड वेसल में एक एक बात ठूस डालेंगे। तो बस गौर से देखना और मजा लो, ठीक है। अब बताते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट का। तो मैं पहले लिख के बताता हूं, लिखता हूं फिर मैं बताता हूं, ठीक है। लेट A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज अ सेट विच contains all the ordered pair of elements from set A and set B। तो बच्चे बाटे मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए छोटा सा डिफरेंस लिखा हूं और इसका इतना डिटेल में आपको घुसाने वाले हैं दिमाग में ना कि मजा ही आ जाएगा तुमको सुन के। देखो क्या मैं लिखा हूं कि लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। मैंने क्या किया, 2 नॉन एम्प्टी सेट बना हो। नॉन एम्प्टी समझ दो जो खाली ना हो, एम्प्टी नहीं हो, है ना। तो हमारे पास ए और बी बच्चा क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये जो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बच्चा, उसको लिखेंगे कैसे, उसको ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए गुना बी नहीं बोलना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से लिखते हैं। और इसमें क्या था, ए भी एक सेट होगा जिसके पास विच कंटेन्स ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी लिखा तो ए पहला एलिमेंट होना चाहिए और बी पहला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। कहां पे, सेट ए और सेट बी से। तो मैं इसको अब मैं समझाता हूं डिटेल में, ये जो मैं लिखा हूं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट है और मैं इसका क्रॉस निकालता हूं। क्या निकालता हूं, क्रॉस। 2 सेट दिया है ए और बी, ये 2 नॉन एम्प्टी सेट है, मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं। और अगर इसके क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों ए और बी कोई एक एलिमेंट है, ए और बी इस क्रॉस प्रोडक्ट में वो एक एलिमेंट है, तो ये जो ए होगा, ये जो ए होगा इस सेट ए से आया होगा। ये पहले लिखा गया है तो यहां पे पहले कौन है, ए। तो ए जो होगा वो सेट ए से आया होगा एंड बी जो होगा बच्चों उस सेट बी से आया होगा। समझ में आया, यही बात मैं लिखा हूं यहां पे लैंग्वेज में और इसी को मैं यहां पे मैथ में लिखा हूं कि यदि ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट होगा तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा बच्चा, ए क्रॉस बी का मतलब होगा कि जो पहला एलिमेंट है वो ए से आया होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से आया होगा। मुझे लगा तुम्हें समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूं उदाहरण, एग्जांपल। ये हमारा एक सेट दिया बच्चों जिसमें 2 एलिमेंट है, 1, 2, और बी हमारा एक सेट दिया जिसमें 2 एलिमेंट है, 1, b। ए हमारा एक सेट दिया है जिसमें 1, b 2 एलिमेंट है और बी भी एक सेट दिया है जिसमें 1, b इसमें भी 2 एलिमेंट। आप बोलोगे सब बराबर क्यों लिए, अलग अलग भी ले सकते थे। अरे भाई अलग अलग भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हम बराबर ही ले रहे हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। ये दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, कैसे निकलेगा, आज हम ए क्रॉस बी करेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 का सेटिंग कराएंगे ए के साथ, तो 1, a लिख दिए।
फिर वन का सेटिंग कराएंगे बी के साथ, तो वन कोमा बी लिख दी, ठीक है। अब वन का कहां निकालना हो गया, अब टू बच गया, तो टू का सेटिंग कराएंगे ए के साथ, तो टू कोमा ए लिख दिए, और इसी तरह टू का सेटिंग कराएंगे बी के साथ, तो टू कोमा बी हो जाएगा। और ये जो निकला तुम्हारा बच्चों, ये तुम्हारा क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे इसको, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, या फिर हम इसको सिंपल बोलेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस गुना नहीं है, ठीक है, क्रॉस बोलेंगे इसको, ए क्रॉस बी। तो आपने क्या किया यहां पे, हमारे पास दो सेट दिया था ए वन टू और सेट बी दिया था बच्चों ए बी, ठीक है, दो सेट दिया था और एक क्रॉस बी हमसे मांग रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले ए लिखा है तो ए का पहला एलिमेंट वन लिया और उसका सेट एक बी का जो ए बी था उस सारे के साथ मैंने क्या किया, मिलन कराया। तो ए का ए को अगर सेट बी के एलिमेंट के साथ मिलाओगे तो एक बार वन कोमा ए बनेगा जो यहां पे लिखा गया है, एक बार वन कोमा बी बनेगा जो यहां पे लिखा गया है। उसी तरह सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट था बच्चों वो था दो, तो दो का मैंने ए के साथ कराया तो मैं टू कोमा ए लिख दिया, और टू का मिलन अगर बी के साथ होगा तो टू कोमा बी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ए क्रॉस बी निकल गया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि बी क्रॉस ए लिखा, बी क्रॉस ए मैं ऊपर लिख रहा हूं, तो इस बार देखो बी क्रॉस ए बोला गया है, क्या बोला है, बी क्रॉस ए बोला है, यहां पे ए क्रॉस बी बोला था, तो मैंने क्या किया था, पहली बार ए का एलिमेंट पहले लिया, जो यहां पे क्रॉस में पहले था उसका एलिमेंट मैंने क्या किया, पहले लिया। लेकिन यहां पे क्रॉस में कौन पहले है बच्चों, अब बोलोगे सर बी पहले है, तो अपन क्या करेंगे, बी वाला जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट लेंगे, तो बी में कौन है एलिमेंट, ए है, तो यहां पर इस बार सेटिंग ए कोमा वन होगा, तो यहां पर ए कोमा वन हुआ, फिर ए कोमा टू होगा, अब ए का सेटिंग हो गया वन टू के साथ, अब बी का करेंगे तो बी कोमा वन होगा और फिर बी कोमा टू, तो ये हमारा निकल गया बच्चों बी क्रॉस ए। अगर आप गौर से देखोगे तो बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, आप बोलोगे सर चार एलिमेंट है, बहुत अच्छी बात है। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, आप बोलोगे सर चार एलिमेंट, अच्छी बात है, चार एलिमेंट है, मतलब क्या आप देख रहे हो कि ए क्रॉस बी निकाल लो, समझ लो, या बी क्रॉस ए निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट बदलता नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा वो बराबर होगा। यहां पे भी चार आया, यहां पे भी चार आया, तो जब भी आप ए क्रॉस बी कर लो या बी क्रॉस ए कर लो बच्चों, कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट बदलता नहीं है, इसमें भी चार और इसमें भी चार। लेकिन क्या तुम्हें लगता है बी क्रॉस ए जो कि ए ए कोमा वन है, ए कोमा टू है, बी कोमा वन है, बी कोमा टू है, और ए क्रॉस बी में वन कोमा ए आया, वन कोमा बी आया, टू कोमा ए आया, टू कोमा बी आया, क्या आपको लगता है ये दोनों बराबर है? मतलब ऐसा कि मैं यहां पे ए यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिखो ए कोमा वन उठाया इससे, और यहां से मैंने उठाया वन कोमा ए, और मैं अगर बोलू क्या ये दोनों बराबर है, क्या कहोगे बता दो, क्या कहोगे, क्या ये दोनों बराबर है? अगर मैं इस देखो ऑर्डर पेयर है भाई, ऑर्डर पेयर समझ लो, यहां पे ए, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में बात करूंगा तो यहां पे ए क्या है, ये अपशिषा है, अपशिषा मतलब भोज, भोज, और वन क्या है, ये ऑर्डिनेट है भाई, समझ लो, यहां पे ऑर्डिनेट कितना है, वन है, ऑर्डिनेट मतलब कोटि, लेकिन यहां पे अपशिषा कितना है बता दो, अपशिषा वन है जबकि कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट ए है, तो यहां पे अपशिषा ए है, यहां पे अपशिषा वन है, तो क्या ए वन आपस में बराबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपने ये सीखा कि ए क्रॉस बी निकाल लो और बी क्रॉस ए निकाल लो तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होता, ए क्रॉस बी बराबर नहीं हो सकता क्या बी क्रॉस ए का, समझ लो, पकड़ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। आपको ए क्रॉस बी निकालना आया कि नहीं, कमेंट में लिख के बता देगा क्या आया कि नहीं आया, या एक और उदाहरण दो, आओ एक और उदाहरण दो, देख लो बच्चे इस बार फिर से दो सेट है हमारे पास, एक ए सेट है जिसमें तीन एलिमेंट है, तीन चार से, और एक बी सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, वन टू, हमें बोला क्या है कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आज बच्चे पढ़ते हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो आपको पता है ए क्रॉस बी निकालोगे तो पहले ए का एलिमेंट को पहले रखोगे, है ना, जो यहां पहले लिखा गया है उसके एलिमेंट को पहले रखोगे, जो यहां बाद में लिखी गई है उसके एलिमेंट को बाद में रखोगे, हाँ यार बिल्कुल समझ आ रहा है।
तो पहले तीन को उठाओ एक सेट ए से, सेट ए से तीन पहला एलिमेंट को उठाओ और सेट बी वाला जितना एलिमेंट है उसके साथ सेटिंग कराओ, ठीक है। तो तीन का अगर सेटिंग कराओगे तो एक के साथ हो जाएगा, ऐसा ही तीन का दो के साथ हो जाएगा। अब तीन का कार्य खत्म हो गया। इस तरह चार का सेटिंग कराओगे तो चार कोमा एक होगा, फिर चार कोमा टू हो जाएगा, हाँ यार बिल्कुल। फिर आप छह का सेटिंग कराओ तो छह कोमा एक हो जाएगा और इसी तरह छह कोमा दो हो जाएगा, हाँ यार। इस प्रकार हमने क्या लिख दिया, ए सेट थ्री फोर सिक्स, ए सेट में तीन एलिमेंट था, बी सेट में दो एलिमेंट था, मैंने क्या किया ए क्रॉस बी निकाला। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट अगर आया बच्चा देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ लूं तो कितना आया, देखो सिक्स आया, हाँ यार बिल्कुल आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी क्रॉस ए निकालता हूं, बी क्रॉस ए, आइए तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तो बी का पहले एलिमेंट रखेंगे, यहां पर देखो बी पहले, तो बी का पहले एलिमेंट रखेंगे और एक एलिमेंट उठाएंगे सबके साथ ए वाले के साथ, मतलब बी का एक एलिमेंट उठाएंगे और ए के हर एलिमेंट के साथ उसका सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, पहला एलिमेंट क्या है, वन है, वन का सेटिंग करो तीन के साथ, फिर वन का करो चार के साथ, फिर वन का करो छह के साथ, हो गया वन का सेटिंग। फिर बी वाला, बी में कौन सा एलिमेंट बचा है, दो, दो का सेटिंग कराओ सबके साथ, दो कोमा तीन, दो कोमा चार और इसी तरह दो कोमा सिक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो बी क्रॉस ए भी तूने आसानी से निकाल लिया, ए क्रॉस बी भी तुमने आसानी से निकाल लिया। अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बता दो कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए में कितना होगा, तो देख लो एक दो तीन चार पांच छह सिक्स ही होगा, इसमें भी एक दो तीन चार पांच छह सिक्स ही था। इसका मतलब क्या समझे, मक्खन की तरह समझ में आया होगा तुमको कि कोई भी दो सेट दिया रहेगा तो उसका क्रॉस अगर निकालोगे तो वो आपस में कभी बराबर नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल बराबर होता, हाँ यार समझ में आ रहा है कि दो सेट अगर दिया रहेगा तो उसमें उसका क्रॉस कभी बराबर नहीं होता लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा बराबर होता है बच्चों, ठीक है। तेरा दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सर यहां पे जो नॉन एम्प्टी सेट आप लिखे हैं, नॉन एम्प्टी सेट इसका आखिर लॉजिक क्या है, तो टेंशन नहीं लेने का, पूरे डिटेल बताएंगे। क्या तुम्हें दो सेट या दो से अधिक सेट दिया रहेगा तो तुम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाओगे बच्चों, कमेंट में लिख के बता, कमेंट में लिख के बता क्या निकाल पाओगे कि नहीं, अगर हां तो कमेंट में लिखो हां, और मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, कमेंट में लिख के बताना हमको, ठीक है। एक सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट सी दिया जिसमें एलिमेंट है वन टू थ्री, हमें चाहिए क्या, सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी, ये दोनों ही हमको कमेंट में लिख के तुम बताओगे, ठीक है, दोनों ही कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। आप कुछ बातें करते हैं और अच्छी वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बच्चे बैठे कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के बाद अब हम लोग आ गए हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे इसमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो आ जाओ बिना किसी लेट का शुरू करते हैं। हमारे पास दो सेट दिया है बच्चा, ए हमारे पास एक सेट दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट है और बी भी हमारा एक सेट दिया बच्चा जिसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है। और अभी मैं बता रहा हूं कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अगर पहला प्रॉपर्टी है कि सेट ए क्रॉस बी निकालो, सेट ए और सेट बी का तुम क्रॉस निकाल लो ए क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस ए निकालो बच्चों, तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होता, अभी तूने देखा, देखा कि नहीं देखा, बिल्कुल देखा, ए क्रॉस बी निकाल लो या बी क्रॉस ए निकालो तो आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, तो पहला प्रॉपर्टी। दूसरा देखो, ए क्रॉस बी जो आया बच्चा, ए क्रॉस बी आया इसमें कितना नंबर है एलिमेंट का, समझ पा रहे हो, और बी क्रॉस ए आया इसमें कितना नंबर है एलिमेंट का, यह हमेशा बराबर होगा बच्चा, और यह बराबर किसका होगा, ये होगा एन ए इंटू एन बी का, ठीक है बच्चों। ये बहुत तगड़ा प्रॉपर्टीज है, आपने ये देख रखा है अभी तुरंत मैंने आपको बताया। एग्जांपल देखो, एग्जांपल अगर ए हमारा एक एलिमेंट है जिसमें वन कोमा टू दो एलिमेंट है और बी एक सेट है, ए हमारा एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है वन कोमा टू और बी एक दूसरा सेट है जिसमें हमारा एक दो एलिमेंट है इसमें भी ए कोमा सी है, ठीक है। ए सेट में भी दो एलिमेंट है और सेट बी में भी दो एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे बच्चों, तो तुम्हें पता है कि कितना आएगा, फोर एलिमेंट है,
हाँ यार बी क्रॉस ए निकालेंगे बच्चों तो तुम्हें पता है कि कितना एलिमेंट आना है, फोर है। हाँ यार बिल्कुल, तो आप ऐसा इसको नहीं लिख सकते हो कि एन ए क्रॉस बी निकाल लो तो ये किसके बराबर आएगा, ये एन ए क्रॉस एन बी के बराबर आएगा, नहीं लिख सकते हो ना। देखो एन ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, चार, एन ए में कितना एलिमेंट है, देखो एन ए अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, दो आएगा ना, और इसी तरह एन बी आर निकालोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी निकालोगे कितना आएगा, दो आएगा, इसमें भी दो इसमें भी दो, तो आप कर लो दो गुना दो तो कितना आएगा, चार आएगा। हाँ यार वैसे ही अगर नंबर ऑफ बी क्रॉस ए अगर लिखू तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एन बी क्रॉस एन ए, तो एन बी कितना है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, दो है, यहां लिख दो दो। वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना, देखो बच्चों कितना है, दो, लिख दो दो, तो दो दो नहीं कितना है, अच्छा तो मतलब ऐसा है कि एन ए क्रॉस बी निकाल लो और बी क्रॉस ए निकाल लो उसका एन निकाल लो, मतलब ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ए निकाल लो, या बी क्रॉस ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए निकाल लो, ये दोनों ही आपस में बच्चों बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, ये एन ए क्रॉस एन बी, एन ए गुना एन बी के बराबर होगा। आप बोलोगे सर मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या एन बी गुना एन ए, अरे लिख सकते हो भाई, गुना है कोई दिक्कत नहीं लिख सकते। तो दो नियम दो प्रॉपर्टी तुम्हारे खोपड़ी में अटक गया, अटक, और तीसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ सेट ए हैज m elements and set B has n elements, then a cross b में कितना element होगा वो उतना ही होगा जितना b cross a में होगा, और ये कितना के बराबर होगा बच्चा, तो सेट ए में कितना एलिमेंट है m और सेट बी में कितना एलिमेंट है n, तो a क्रॉस b बोल लो या b क्रॉस a बोल लो इसमें कितना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट का, m इंटू n होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल सेट a हमारे दिया है इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और सेट b दिया है इसमें a b c और d, चार एलिमेंट है। हमको डायरेक्ट अगर पूछ लेके बता दो कि सेट a क्रॉस b में कितना एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, तो फिर ए ए में देख लेते हैं कितना एलिमेंट है, तो फिर लिखेंगे एन ए इंटू एन बी, तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, देखो तीन है, सेट बी में कितना है, 1 2 3 4 है, तो कितना हो गया, 12 है। मतलब ए क्रॉस बी जब निकालोगे इसका तो उसमें कितना एलिमेंट होगा बच्चा, 12 होगा। इसी तरह बी क्रॉस ए निकालेंगे और उसमें कितना एलिमेंट है अगर ये पूछ दे तब भी तुम क्या बोलोगे, 12 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, 12 ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 का खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईदर सेट ए इज एम्प्टी और सेट बी इज एम्प्टी और Both set is empty, then अगर set A तुम्हारा empty हो जाए या B हो जाए empty या दोनों ही empty हो जाए, empty मतलब खाली, तो क्या होगा, देखो A cross B जो होगा ये भी empty होगा, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो B cross A होगा वो भी empty होगा, मतलब कोई भी element नहीं होगा। समझ रहे बच्चों, अगर दो सेट में कोई एक सेट नल सेट हो जाए या एम्प्टी सेट हो जाए या दोनों नल सेट हो जाए तो उसका क्रॉस हमेशा नल ही आएगा। आ जाओ देखते कैसे, एग्जांपल है, एग्जांपल में ये मजा आता है, ए दिया है ए कोमा बी और एक सेट बी दिया है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सेटिंग किसके साथ कराओगे भाई, ए का सेट बी का, ए का एलिमेंट जो ए है उसका सेट बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसके साथ तुम सेटिंग करा सकते हो, तो सेटिंग नहीं हो पाएगा, सेट ए का कोई भी एलिमेंट का सेटिंग सेट बी के साथ नहीं हो पाएगा, और इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारा नल आएगा या फिर बी क्रॉस ए भी हमारा नल आएगा। समझ पा रहे हो,
इस प्रकार ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर फोर है। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर फोर। जिस तरह प्रॉपर्टी नंबर फोर क्या था कि अगर कोई भी सेट ए नल सेट हो जाए या सेट बी नल सेट हो जाए या दोनों ही नल सेट हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है नल सेट, वैसे ही इफ इधर सेट ए इज इनफाइनाइट सेट और सेट बी इज इनफाइनाइट सेट और बोथ सेट इज इनफाइनाइट सेट, देन क्या होगा बच्चा ए क्रॉस बी जो होगा ये भी हमारे क्या आएगा इनफाइनाइट सेट आएगा, या फिर बी क्रॉस ए जो आएगा ये भी हमारा क्या आएगा इनफाइनाइट सेट आएगा। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, इसमें कितना एलिमेंट आएगा तो इनफाइनाइट आएगा और इसमें कितना एलिमेंट आएगा तो इसमें भी इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो, जिस तरह यहां पे तुमने क्या देखा कि अगर ए सेट या फिर बी सेट या फिर दोनों सेट, दोनों में से दोनों ही कोई एक हो जाए एम्प्टी या दोनों एम्प्टी हो जाए तो ए क्रॉस बी करोगे तो कितना आएगा क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा, या बी क्रॉस ए करोगे तो क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा। वैसे ही यहां पे दो सेट में कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो जाए या दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करोगे उसमें जो एलिमेंट होंगे बच्चे वो भी इनफाइनाइट होगा। आ जाओ उदाहरण देता हूं, जरूर सुनना है एग्जाम्पल देखो, यहां पर लिखा यह हमारा एक दिया है सेट जिसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है ठीक है, और बी हमारा एक सेट दिया जो ए कोमा बी है, ए कोमा बी है। अब बता दो तुम कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है बता दो, क्या तुम्हें ये पता है कि सेट ए में कितना एलिमेंट है, नेचुरल नंबर कितना होता है इनफाइनाइट होता है, सेट बी में तो दो एलिमेंट है ये हमें पता है लेकिन सेट ए हमारा इनफाइनाइट सेट है और अगर इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट सेट का क्रॉस अगर निकालेंगे बी के साथ तो ये भी हमारा इनफाइनाइट ही होगा। समझ लो, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बच्चा वो क्या है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड पता ही नहीं है कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट है और अगर इनफाइनाइट एलिमेंट का मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट वाला सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे किसी दूसरे सेट के साथ तो हमेशा इनफाइनाइट सेट आएगा। हाँ या ना, समझ लो, बिल्कुल समझ लो। तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज कार्टेशियन प्रोडक्ट का पांचवा, ठीक है आइए लास्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। आ जा बच्चा अगला प्रॉपर्टीज है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है इफ ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब तीन बार बुना हुआ है ठीक है। और दिखाते हैं आपको इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि एक रोस ए अगर ऑर्डर ट्रिपलेट लिखेंगे और इस ऑर्डर ट्रिपलेट में कोई एक हमारा एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी तो क्या होगा है बच्चों ए जो होगा ये एलिमेंट ए का होगा, ये जो बी होगा ये एलिमेंट ए का होगा एंड जो सी होगा ये भी हमारा एलिमेंट ए का, मतलब ए पहला ए का बी दूसरा ए का सी तीसरा ए का। हम बोलोगे सब तो ए ही है, पहला दूसरा और तीसरा क्या, सही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों ए कोमा बी कोमा सी जहां ए बी सी जो होगा ये एलिमेंट्स होगा एक, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। क्या समझ में आया तुमको, बिल्कुल आया होगा। आ जाओ थोड़ा सा बताता हूं और उदाहरण के साथ इसको। एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूं, ए बराबर मान लो कि हमारे पास दो एलिमेंट दे रखा है वन टू ठीक है,
और कह रहे हैं कि फाइंड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, आपको तीन बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, इसका तीन बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आ जाओ पहले हम दो बार निकाल लेते हैं, एक रो से एक कर लेते हैं। तो एक आ ए, ए वाला जो एलिमेंट है वन टू, इसको यहां लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर वन टू का। तो तुम क्या करोगे, वन का पहले सेटिंग कराओगे, तो सेटिंग कराओगे क्या होगा, वन कॉमा वन, फिर वन कॉमा टू, और फिर टू का कराओगे क्या होगा, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, एक क्रॉस एक कर दिया। अब हमें निकालना क्या है, एक क्रॉस ए का क्रॉस करना है फिर ए के साथ। तो एक क्रॉस ए का मान कितना है, देख लो आप, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा वन, टू कॉमा टू, इसका क्रॉस कराना है किसके साथ, ए के साथ। ए कितना है, वन कॉमा टू, ठीक है। तो आइए करते हैं, तो वन वन कॉमा वन क्या हो जाएगा, वन वन कॉमा वन, वन टू कॉमा वन, वन टू फिर वन, मतलब समझ लो वन का सेकंड सबके साथ कराना है, फिर टू वन कॉमा वन, फिर टू टू कॉमा वन, समझ लो। अब टू का कराना है क्या होगा, वन वन कॉमा टू, वन टू कॉमा टू, टू वन कॉमा टू, टू टू कॉमा टू। तो इस तरह एक क्रॉस ए, क्रॉस ए हम निकाल दिए बच्चों, और ये कितना आया, एक क्रॉस एक क्रॉस ए, ये कुछ तुम्हारा इतना आया, एक क्रॉस एक क्रॉस ए तुम्हारा ये वाला आया, समझ लो। ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, ये कहलाएगा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, दिस इज आवर ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ए बी सी डी कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझ में आ गया होगा, या ना। फिर से नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाके देखने का, वापस रिवीजन करने का, बार बार देखने का, इफ यू कैन वॉच मल्टीपल टाइम यू विल डेफिनेटली गेट टू नो दैट व्हाट द कंसेप्ट इज। कंसेप्ट इज सुपर सिंपल, बस आपको अच्छे से देखने की जरूरत है विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड विथ हैविंग कॉपी एंड पेन, ठीक है। चलो एक उदाहरण मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, होमवर्क बी बराबर दिया है कितना, ए कॉमा बी, और तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि पता करो बी क्रॉस बी क्रॉस बी निकालने का, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, करके बताने का, ठीक है, कमेंट में लिख के बताना बच्चों, ठीक है बच्चों बेटे, तो कमेंट में लिख के बताना कि बी क्रॉस बी क्रॉस बी कितना हो, है मजा आया, मुझे लगता है मजा आया होगा तुमको, अगर मजा आया तो बांटने का, बांटो इसको अपने दोस्तों के बीच ताकि उसे भी मजा आए, है ना, समझ रहे हो। हाँ बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक जहां भी हो फोड़ते रहो, जय हिंद।